भारत की बात करें तो भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकले और उनके मन में बेचैनी रही उस भूकंप को लेकर, क्योंकि काफी देर तक, लगभग 30 सेकेंड तक भूकंप के झटके ये महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 11:30 बजे के आसपास धरती हिली और लोग अपने घरों से बाहर निकले। काफी देर तक डर और चिंता का माहौल बना रहा, क्योंकि अक्सर भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स का खतरा रहता है, तो काफी देर तक लोग घरों के बाहर ही मौजूद रहे और रात उनकी बेचैनी में कटी, क्योंकि नेपाल में इस भूकंप ने काफी तबाही मचाई है और दिल्ली एनसीआर भारत के कुछ राज्यों में भी धरती काफी समय तक हिलती रही, भूकंप के झटके काफी समय तक महसूस किए जाते रहे। 35 से 40 सेकेंड ये कम नहीं होता है अपने आप में, और यही वजह है कि लोगों में एक डर घर कर गया इन भूकंप के झटकों की वजह से। और भूकंप के तेज झटके से कई राज्यों की धरती हिल गई। आधी रात को लोग घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों में आप भूकंप की दहशत को देख सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लोग आधी रात को घरों से बाहर निकल गए। काफी देर तक वो अपने घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि 35 से 40 सेकंड तक भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए। 6.4 इसकी तीव्रता थी, तो झटके भी काफी तेज रहे। नेपाल में भारी नुकसान हुआ, लेकिन भारत के अंदर भी इसके झटके ऐसे ही महसूस किए गए। आइए आपको मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए बताते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौर करिए, देखिए, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो कि बहुत ही सेंसिटिव जो जोन है भूकंप का उसमें आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में झटके महसूस किए गए, हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासकर वो राज्य जो नेपाल के काफी करीब है, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहां पर भी ये झटके महसूस किए गए। अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि लोग जहां भी खुला स्थान देख पाए, उनको खुली जगह मिली, जान बचाने के लिए भागे। लोग घरों से निकलकर पार्क्स में पहुंच गए और इस बीच कई घरों में दरारें आने की भी खबरें आ रही हैं। लोग दहशत की वजह से पूरी रात बेचैन रहे।